तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस डार्क चॉकलेट लीफ केक की रेसिपी। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसे मैं केक बनाते वक्त आपको दिखाऊंगी। ओरिजिनल पत्तों से चॉकलेट लीफ कैसे बनाते हैं ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें बटर मिल्क प्रिपेयर करना है। यहाँ मैंने 1/2 कप दूध में 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया है। यहाँ आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करके साइड में रख दें। अब एक बाउल में हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल ज़रूरी है, छानने से हमारे बैटर में लम्प्स नहीं आएंगे। इसमें 1.5 कप मैदा, 1 कप पाउडर्ड शुगर, यहाँ मैंने चीनी को मिक्सर में पीस लिया है। अब 2/4 कप कोको पाउडर इसमें ऐड करें। अब 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा ड्राई मिक्स बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे से छानकर साइड में रख दें। वेट मिक्स प्रिपेयर करने के लिए 3/4 कप कुकिंग ऑयल या बटर प्लस 1 कप दही ऐड करके मिक्स कर लें। यहाँ तेल और दही को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा केक सॉफ्ट बनेगा। अब 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालकर मिक्स कर लें। अब ड्राई मिक्स जो मैंने प्रिपेयर किया था, उसे 3 से 4 बैच में मिक्स करेंगे। ऐसा करने से बैटर में लम्प्स नहीं आते हैं। शुरू में जो मैंने बटर मिल्क प्रिपेयर किया था, उसे हर एक बैच के साथ थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। हमारा बैटर अभी काफ़ी थिक है, तो मैंने यहाँ 1/2 कप दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। उसे थोड़ा थोड़ा डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। सारा दूध एक साथ हमें नहीं डालना है। यहाँ थोड़ा दूध बच गया है, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। हमारा बैटर कुछ ऐसा होना चाहिए। अब एक केक मोल्ड लेकर उसे ऑयल या बटर से ब्रश कर लेंगे। यहाँ आप बेकिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस केक को आप गैस पे भी बेक कर सकते हैं। एक कढ़ाई लेकर उसमें स्टैंड रख दे और उसे ढककर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर ले। फिर 40-45 मिनट्स के लिए बेक कर ले मीडियम टू लो फ्लेम पे। सारा बैटर डालकर इसे 2 से 3 बार टैप करें ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने OTG को 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब इसे 40 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे। बेकिंग टाइम OTG या ओवन पे डिपेंड करता है। आधे घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर केक नहीं बना तो 10 मिनट के लिए बेक कर लें। अब मैं डेकोरेशन के लिए चॉकलेट लीफ प्रिपेयर करूँगी। मैंने यहाँ 250 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है। इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट कर लिया है। यहाँ मैंने तुलसी के पत्ते का भी यूज़ किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक करके सारे पत्ते को हम बैक साइड से डिप करेंगे। पूरे पत्ते को चॉकलेट में डिप नहीं करना है, वरना हमारा लीफ बाहर नहीं आएगा। इसी तरह हम सारे पत्तों में चॉकलेट लगाकर 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में फ्रीज कर लेंगे, जिससे हमारा चॉकलेट बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आपका लीफ चॉकलेट से कवर नहीं हो रहा हो तो यहाँ आप हाथ या ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा मैसी होता है, बट एंड रिज़ल्ट काफ़ी खूबसूरत होगा। बाकी बचे हुए चॉकलेट को मैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने में यूज़ करूँगी। यहाँ 125 ml व्हिपिंग क्रीम को हीट करके मिक्स कर लिया है। व्हिपिंग क्रीम के जगह आप अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप डबल बॉइलिंग प्रोसेस से भी किया जा सकता है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें।
हमारा चॉकलेट फ्रॉस्टिंग यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है और हमारा केक भी बिल्कुल बेक हो चुका है। आप किसी नाइफ को डालकर चेक कर सकते हैं, अगर नाइफ में कोई बैटर ना लगे मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब केक के टॉप पार्ट को हम रिमूव करेंगे जिससे हमारा डेकोरेशन अच्छे से हो। कटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। केक को हमें दो पार्ट में कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। डेकोरेशन के लिए अब ऊपर वाले पार्ट को मैं दूसरे प्लेट में रख दूंगी। ये शुगर सिरप है जिसमें 2 टेबलस्पून चीनी और 4 टेबलस्पून पानी मिक्स किया है। इसे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि हमारा केक अंदर से मॉइस्ट रहे। अब चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। आप ये स्टेप नाइफ, स्पून या स्पैचुला से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें केक का दूसरा पार्ट रखना है और वापस सेम प्रोसेस रिपीट करना है। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की एक इवन लेयर हमें ऊपर और साइड से भी लगानी है। इस स्टेप के बाद फ्रॉस्टिंग सेट करने के लिए आप वापस फ्रिज में रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, या फिर आप ऐसे ही डेकोरेशन कर सकते हैं। केक डेकोरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा चॉकलेट लीफ भी बिल्कुल सेट हो गया है। अब उसे हम एक एक करके पत्ते से अलग करेंगे। पत्ते को एक साइड से पकड़कर निकाल देना है। इस तरीके से लीफ आसानी से निकल आएगा। मैं इसी तरह से अब सारे चॉकलेट को पत्तों से अलग कर दूंगी। केक को अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट किया जा सकता है। पत्तों को ऊपर या साइड से भी कवर किया जा सकता है। अब एक एक करके सारे पत्तों को केक के ऊपर डालेंगे। मैंने यहाँ रेड स्प्रिंकलर्स का यूज किया है केक डेकोरेट करने के लिए। आप किसी भी कलर या शेप का स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं। हमारा सुपर डिलीशियस चॉकलेट केक रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल कुकिंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे ऐसे रेसिपीज देखने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं।